दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की दौड़ जल्द ही शुरू होने वाली है। जो बच्चे 4 साल की उम्र के हो चुके हैं उनके स्कूल जाने के दिन नजदीक आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडमिशन प्रक्रिया कब शुरू होगी और आपको इसके लिए क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने घर के छोटे बच्चों का दाखिला स्कूल में कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिले की जो दौड़ है वो जल्द शुरू होने वाली है। निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में सामान्य श्रेणी के छात्रों के दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एडमिशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है और एडमिशन की पहली लिस्ट अगले साल 12 जनवरी को जारी की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और वंचित समूह यानी DG के छात्रों और दिव्यांग बच्चों के लिए निजी स्कूलों में कुल सीटों का 25% जो है वो रिजर्व रखा गया है, उनके लिए अलग से सूची जारी की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक प्री स्कूल यानी नर्सरी के लिए बच्चों की उम्र 3 साल, KG के लिए बच्चों की उम्र 4 साल और कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च तक 5 साल होनी जरूरी है और दाखिले के लिए ऊपरी आयु सीमा नर्सरी के लिए 4 साल, KG के लिए 5 साल और क्लास 1 के लिए 6 साल से कम होनी चाहिए। नर्सरी, KG और कक्षा 1 में दाखिले के लिए स्कूलों की ओर से लिए जाने वाली रजिस्ट्रेशन की फीस भी निर्धारित कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना के मुताबिक निजी स्कूलों में अधिकतम 25 रुपए ही रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर ले सकेंगे। अब बच्चों के एडमिशन के वक्त किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ये भी जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि अगर आप बच्चे का दाखिला कराना चाह रहे हैं तो आप इन कागजों को पहले से ही संभाल कर रखें, जैसे कि माता पिता अभिभावक के नाम पर जारी राशन कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड जिसमें बच्चे का नाम भी दर्ज हो, बच्चे या माता पिता के नाम पर बिजली, टेलीफोन या फिर पानी का बिल, बच्चे या माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र, माता पिता से किसी एक का वोटर ID कार्ड, बिल या पासपोर्ट, माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड भी दाखिले के लिए ज़रूरी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।